पहला रिएक्शन जब मुझे कॉल किया गया था और कहा गया था कि एक रोल है आपके लिए जो चैनल चाहता है आप करें, मैंने कहा क्या रोल है बताइए। तो मुझे बताया गया कि एक 45 साल का आदमी है। मैंने कहा एक सेकेंड होल्ड, आपको पता है आपने मुझे कॉल किया है? कहते हाँ। मैंने कहा मेरा नाम निशांत मलकानी है, मैं 30 साल का हूँ, आई होप यू नो दैट। कहते जी हमको पता है। मैंने कहा आपने कहीं 15 साल पहले तो नहीं कॉल कर लिया मुझे, क्योंकि मैं 45 का नहीं हूँ। वाला एक नहीं, हम जानते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर है ये, उसकी जो लुक है, वो ओल्ड एज है ही नहीं, वो यंग दिखता है बहुत ही। और चैनल को ऐसा लगता है कि जो उसमें रॉयलनेस है, जो उसमें मेच्योरिटी है, वो आप पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे कॉल आया चैनल से, मुझे समझाया गया इस कैरेक्टर की जर्नी के बारे में, एंड दैट्स व्हेन आई फेल इन लव विद दिस कैरेक्टर। मुझे बताया गया कि ही इज़ सच अ इमोशनल मैन दैट उसके अंदर इतना प्यार भरा हुआ है अपनी बीवी के लिए जो दुनिया में नहीं है, और उसकी याद में वो इतना दर्द में है कि अंदर ही अंदर दबाते दबाते वो बाहर की दुनिया के लिए बहुत ही पत्थर दिल हो चुका है। तो ये जो लाइन थी ना, इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मुझे लगा यार ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है कि एज एन एक्टर मेरे लिए इट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज, और जितना चैलेंजिंग है उतना ही अट्रैक्टिव है। तो इफ़ आई कैन डू दिस आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू प्ले दिस कैरेक्टर ऑफ अक्षत जिंदल ऑन गुड डन तुमसे ना हो पाएगा। पहला एपिसोड है हमारा जिसमें जो मेरी बहुएँ हैं वो लाइन में लड़कियाँ बुलाती हैं मेरे स्वयंवर के लिए, एक तरह से कि मुझे उनको चूज़ करना है कि इनमें से कौन सी लड़की के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, सेकेंड टाइम शादी करना चाहता हूँ। तो ये देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि अंतरा की जगह, मतलब मेरी एक्स वाइफ की जगह कोई और ले सके। तो उसके अंदर जो मैं पहले एपिसोड में ही एक ऐसा ड्रामा करता हूँ कि मैं ऐसे 7 वचन रखता हूँ कि कोई भी लड़की वो 7 वचन सुनने के बाद भाग जाए। तो वो जो एंगर था, वो जो पेन था, वो जो मुझे लिटरली साइकोनेस दिखानी थी इन द फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बट आई एम प्राउड टू से दैट इट हैज़ कम आउट रियली रियली वेल। आई थिंक एज एन एक्टर जो हंगर मेरे अंदर है टू परफॉर्म अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, टू परफॉर्म समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अदर एक्टर्स टू प्ले, समथिंग दैट पीपल वुड नॉट लाइक टू वुड नॉट हैव द करेज टू रिस्क, आई थॉट कि मैं वही प्ले करूँगा। एंड आई स्टडीड एक्टिंग फॉर 2 ईयर्स, आई डन एडवांस डिप्लोमाज, एंड ये सब करने के बाद मैंने यही सीखा कि एक एक्टर के लिए जितना चैलेंजिंग रोल होता है ना, उतना ही सेटिस्फाइंग भी होता है। तो ये जितना चैलेंजिंग है उतना ही मुझे सेटिस्फाई करता है व्हेन आई परफॉर्म दिस ऑन सेट। आई फील ग्रेट एज एन एक्टर कि मैं ये प्ले कर रहा हूँ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्ले कर पाऊँगा। दैट इज़ वॉट अट्रैक्टेड मी द मोस्ट। रियल लाइफ में तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत ही चिल्ड आउट हूँ, बहुत ही फन लविंग हूँ। इनफैक्ट किसी पार्टी में, मतलब लोग कहते हैं कि मैं पार्टी की जान होता हूँ, लेकिन यहाँ पर आके इस कैरेक्टर में जब मैं घुसता हूँ तो मुझे बहुत ही कलरलेस बनना पड़ता है, बहुत ही इमोशनलेस बनना पड़ता है, एंड बहुत ही स्टिफ बनना पड़ता है। मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि आई एम बैक ऑन टेलीविजन विद गुड डन तुमसे ना हो पाएगा, और जितना प्यार आपने मुझे राम मिलाई जोड़ी के समय दिया था, आई होप आप उतना ही प्यार अक्षत जिंदल को भी देंगे इस शो के अंदर, एंड वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। लव यू।